वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं सामराज। फिर से मैं हूं सामराज मेगा स्टूडियो एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने कल प्रैक्टिस के बारे में जो एक बात की थी हेयर होल्डिंग के बारे में, जो कि एक हमें हेयर कट के लिए या ट्रीटमेंट के लिए जो भी काम आती है सबसे ज्यादा हेयर होल्डिंग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन, जो कि पहला वाला सेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि नॉर्मली हर ट्रीटमेंट में, हर हेयर कट में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, या मेरे दोस्त जितने भी बार्बर्स है, सलॉन्स है, हम सारे वहां पे यही एक सेक्शन जो इसमें हम ज्यादा काम करते हैं, यही मैं सेक्शन आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और फिर से मैं आपको एक बात बताऊंगा कि फिर से आपको हर सेशन के साथ एक मेरे साथ भी, और अगर आप मेरे वीडियो के साथ अगर डमी आप साथ में लेते हो या प्रैक्टिस करते हो वीडियो देखते देखते, तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों देखिए, हर टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है, हर टाइम जब तक आप एक प्रोफेशनल बार्बर बन नहीं जाते, एक सलून में एज अ वर्क नहीं कर सकते, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है दोस्तों, चलो एक थोड़ा स्प्रे कर लेते हैं, जो कि टैंगल्स ना रहे या कोमिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से आप हेयर वेट करिए, हेयर कट के टाइम भी आपको हेयर वेट ही रखते हैं। प्रॉपर कोमिंग जरूरी है दोस्तों, हर हेयर कट में अगर आप प्रॉपर कोमिंग रखते हो, हर हेयर कट में अगर आप प्रॉपर सेक्शन के साथ काम करते हो, तो आपको कोई भी हेयर कट में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। दोस्तों सेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सेक्शन क्यों निकाले जाते हैं? सेक्शन दोस्तों इसकी वजह से निकाले जाते हैं कि देखो, हेयर कट में सबसे, अभी मैं ये पूरे ऐसे बाल लेके मैं हेयर कट नहीं कर सकता, इसकी वजह से सेक्शन बनाए हैं दोस्तों। अगर हम सेक्शन बाय सेक्शन काम करते हैं, कोई आपसे प्रॉपर सेक्शन के साथ काम कीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, प्रॉपर कोमिंग हो गया है आपका, सो मिड टू आईब्रोज, जो मिडल पार्ट है आईब्रोज का, उससे हमें पहला लेना है सेंट्रल प्रोफाइल। मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट देखिए दोस्तों, ये मेरा हो गया सेंट्रल प्रोफाइल सेक्शन फर्स्ट वाला, जो कि ये ऐसा दिखेगा, फर्स्ट दिख रहा है। ओके, नाउ सेकंड एयर टू एयर, जिसे हम रेडियल सेक्शन भी बोलते हैं। एयर टू एयर मीन्स जो कि एयर है, एयर पे आप जस्ट एक फिंगर रखिए, ये जो टिप है, टिप से आप कोम के टिप से आप सीधा होके सेक्शन निकालोगे, ये हो गया आपका एयर टू एयर। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, प्रॉपर कोमिंग करनी है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए प्रॉपर कोमिंग मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप प्रॉपर कोमिंग करते हो तो आपका हेयर कट भी परफेक्ट होगा। ये देखिए, ये डमी है दोस्तों, इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब परफेक्ट नहीं आएगा, नो इश्यूज। आप अगर क्लाइंट पे करते हो तो आपको परफेक्ट सेक्शन मिल जाएगा। दूसरा साइड निकालते हैं, सेम प्रोसीजर, फिंगर, ईयर, ये हो गया दूसरा। चलो दोस्तों, ये हमारे दोनों साइड हो गए। अब बीच वाला जो सेंट्रल प्रोफाइल है, वो
नेब एरिया तक लेके जाएंगे, इसे भी हम अलग करते हैं। मैं पूरा कर लेता हूं दोस्तों, बाद में दिखा दूंगा आपको। ये आपका बेसिक नॉलेज है दोस्तों, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जो भी मेरे दोस्त है जो कि यूनिसेक्स सैलून या एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसके पहले भी जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी जहां भी प्रॉब्लम आती है कि बेसिक प्रैक्टिस क्या होती है। मेरा जो पहला वीडियो इसके लिए है वो हेयर होल्डिंग की प्रैक्टिस है दोस्तों, वो मेरा वीडियो के लिए था, लेकिन आपको बहुत टाइम तक उसे करना होगा, आपको उसको कंटिन्यूटी देनी होगी, तभी आप परफेक्ट बन पाओगे। चलो ये मेरे सारे पार्ट खत्म हो गए, आप देख सकते हो। ये है दोस्तों सेक्शन, अभी आप इनके साथ मतलब आप एक सेक्शन हो गया, तो आपको फिर से क्लिप्स निकालनी है, सारी क्लिप्स निकालनी है, फिर से ये सेक्शन हो गया आपका कंप्लीट। चलो ये आपने सारी क्लिप्स निकाल दी, अभी फिर से आपको क्या करना है, फिर से मूविंग करनी है, फिर से फोमिंग हो गई, फिर से आईब्रोज मिड लेंथ, फिर से आप आ गए, फिर से आपने निकाला। यही प्रैक्टिस आपको दोस्तों बहुत टाइम तक करनी है, आपको पढ़ाई के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस, कुछ भी कीजिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। और आपको प्रैक्टिस इस एक सेक्शन की प्रैक्टिस आपको 3 से 4 घंटा डेली करनी है, 2 घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए। कल का टॉपिक मेरा सीजर्स प्रैक्टिस के लिए होगा, छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन वो कल के वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। सीजर आप कैसे कैसे कौन से टाइप में चला सकते हो, और थोड़ा सा और ज्ञान होगा हेयर के रिगार्डिंग। चलो दोस्तों अच्छे रहिए, खुश रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।